नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। क्वार्टर अफर्मेशन की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। 5 साल में जो नहीं हुआ वो वाटर अफर्म करने के कुछ मंथ के बाद ही इनके रिजल्ट्स आ गए। बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी है। तो सक्सेस स्टोरी शुरू होने के पहले ही मैं आपको कंग्रेचुलेशन कह देना चाहती हूँ। मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती और मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल से मैं जो करने की कोशिश कर रही थी वो नहीं हो पा रहा था। सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी नहीं हो पा रहा था, पर मैंने वाटर को अफर्म करके पिया और कुछ मंथ के बाद ही मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ गए। मेरी शादी 6 साल पहले हुई थी। उसके 1 साल के गैप के बाद में हम लोग बेबी प्लान कर रहे थे, लेकिन हमें बेबी नहीं हो रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे चेकअप्स हुए और सब जगह पर नॉर्मल ही रिपोर्ट आई। मुझ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हर डॉक्टर यही कहता कि नेचुरली ट्राई करो। फिर वो लोग तरह तरह के ट्रीटमेंट्स और तरह तरह की दवाइयाँ बाद में सजेस्ट करने लगे। मैंने सोचा जब सब कुछ नॉर्मल ही है तो फिर ये ट्रीटमेंट्स ये और मुझे क्यों करना है। मैं ये सोच में पड़ गई और फिर मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया कि नहीं, मुझे IUI में नहीं जाना है, मुझे किसी भी और तरीके से बेबी नहीं चाहिए, मेरा नेचुरली होगा। मैं एटलीस्ट खुद को 1 साल और दे करके देखती हूँ। इसी बीच मैंने वाटर को अफर्म करके पीना शुरू कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बेबी हेल्दी है और मैं भी बिल्कुल हेल्दी हूँ। और बस इसी तरह से मैं कई महीनों से पानी को लगातार अफर्म करके पी रही थी। अब इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि मैं अफर्मेशन कब देती थी भूल भी गई, और ये भी भूल गई कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब हम अपने माइंड में इसको सारा दिन घुमा नहीं सकते। डॉक्टर्स भी यही बोलते थे कि सारा दिन बस प्रेगनेंसी के बारे में मत सोचा करो, आप ये सोच लो कि आप 1 साल का गैप लोगे और अगले साल से आप ट्राई करोगे। तो मैंने भी यही सोचा, इस साल ट्राई ही नहीं करना है, मुझे बस वाटर को अफर्म करके पीना है। मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में अब बिल्कुल ही सोचना बंद कर दिया। और इसके बाद ही मेरे हस्बैंड भी मुझे ये बोलने लगे कि हम अब अगले साल ही ट्राई करेंगे, तुम इस बारे में अब इस साल बिल्कुल भी मत सोचो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन हमारा रिलेशन, हम बना रहे थे, हम मिल रहे थे, हम बेबी के लिए जो कुछ भी चीज़ें होती हैं आप समझ सकते हो, वो सब हम कर रहे थे। मतलब फिजिकल रिलेशन जो हस्बैंड वाइफ का बन रहा था वो बन रहा था, और मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ये अब सिर्फ ट्राई करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अपना हस्बैंड वाइफ वाली ये जिंदगी आराम से जी रहे थे। अब आती है मैजिक की बारी। मेरा मैनिफेस्टेशन वहीं पर कंप्लीट हुआ जैसे ही ये मैंने नोटिस किया कि इस बीच मुझे थोड़ी सी घबराहट सी होने लगी है, अजीब सी स्मेल सी आने लगी है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं, और मेरे पीरियड्स वैसे भी कुछ दिन आगे पीछे हो जाते थे, तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके भी कुछ दिन तक लगातार मुझे ऐसे ही सिम्टम्स बने रहे। मेरे माइंड में ज़रा भी नहीं आया कि ये प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स होंगे, लेकिन जब हमने डॉक्टर को चेक करवाया तो फिर पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई प्रेगनेंसी की। मुझे बेटी हुई है और सब कुछ बहुत हेल्दी है, मैं भी हेल्दी हूँ, मुझे सिजेरियन बेटी हुई है और मेरी बेटी बहुत गोल मटोल सी है। मैं जब भी परम का फोटो देखती थी तो यही सोचती थी मुझे भी एकदम गोलू मोलू बच्चा चाहिए। लेकिन हाँ, मैंने ये एक चीज़ नोटिस की है, जैसे ही डेस्पिरेशन निकल जाता है तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं और ये सारे ही मेथड हम पर काम करने लगते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? थैंक यू सो मच, आप मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत सारी लेडीज़ को हेल्प करेगी, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू छोटे से बच्चे को भी हमारी तरफ से थैंक यू। इनको बेटी हुई है, इनको प्यारी सी छुन्नू सी पुन्नू सी प्यारी सी बेटी हुई है। मुझे छोटे बच्चे इतने प्यारे लगते हैं ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। ओके, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, बहुत 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 मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो, और उस छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया को भी बहुत 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 मुबारक हो। उसको इतना प्यारा परिवार मिला, उसको इतने प्यारे मम्मी पापा मिले, इतने समझदार फादर मिले, इतनी प्यारी मम्मी मिले। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। सीरियसली, ये बहुत सारी फीमेल्स के काम आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स मुझसे ये क्वेश्चन करती हैं कि हम कैसे कंसीव करें। तो अगर देखिए, अगर तो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि आपको
लग रहा है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है, तो मैं कहूंगी कि देखिए फिर उसके क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपके हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो ठीक है भाई, फिर आप वाटर अफर्मेशन, माइंड को रिलैक्स, ज्यादा बेबी कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, लोगों की बातें मत सुनो, खुद की भी मत सुनो, खुद को टाइम दे दो, डिसाइड करो, कुछ टाइम के बाद में करेंगे, कोई नहीं, तब तक जैसा इन्होंने किया करते रहो, अपने हस्बैंड वाइफ का जो भी रिलेशन है मस्त एंजॉय करो, टेंशन नहीं लो, और आराम से पानी को अफर्म करके पियो, मेडिटेशन करो, माइंड रिलैक्स रखो, हो जाएगा। देखिए डॉक्टर्स भी ऐसे टाइम पे यही कहते हैं, जब कंसीव नहीं हो रहा होता या ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, रिलैक्स रहो, टेंशन नहीं लो, इवन आप कंसीव भी कर लोगे ना तब भी वो यही बोलते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो वो सारी चीज़ों में भी रुकावट आ जाती है। तो इस तरह से सिर्फ प्रेगनेंसी के मामले में नहीं, हर एक मैनिफेस्टेशन में जैसे हम स्ट्रेस लेते हैं, एकदम से डेस्परेट हो जाते हैं, उसको करने की ट्राई करते रहते हैं, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करना चाहते हो तो फिर डेस्परेशन हटाओ, स्ट्रेस वगैरह होना बंद कर दो, रिलैक्स रहो, और फिर देखो आराम से मैनिफेस्ट हो जाएगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने अपने ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करेंगे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।